गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टीम टेबल। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टीम टेबल की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टीम टेबल को यूज कैसे करते हैं। सो स्टीम टेबल का यूज हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। यूज कब हो सकता है? जब आप वाटर या स्टीम को वर्किंग सब्सटेंस की तरह यूज कर रहे हो, तभी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज आप वाटर एज ए वर्किंग सब्सटेंस है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर, तो उसकी प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, सो दीज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। सो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टीम टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम स्टीम टेबल की बात करें, स्टीम टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मेनली। फर्स्ट आपका सैचुरेटेड स्टीम टेबल है, सैचुरेटेड स्टीम टेबल। नेक्स्ट सुपरहीटेड स्टीम टेबल, सुपर हीटेड स्टीम टेबल। जो सैचुरेटेड स्टीम टेबल है वो प्रेशर बेस्ड भी है एंड टेम्परेचर बेस्ड भी है, प्रेशर बेस्ड और टेम्परेचर बेस्ड। डिफरेंस क्या है? जो प्रेशर बेस्ड सैचुरेटेड स्टीम टेबल है उसमें प्रेशर की वैल्यू रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलेगी, रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी आपको। जो टेम्परेचर बेस्ड टेबल है सैचुरेशन फर्स्ट पार्ट वन की, उसमें आप देखोगे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलेगी, रेगुलर इंटरवल पर। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। पहले जब आप इस टेबल को देखोगे पार्ट वन में, तो पहले आपको टेम्परेचर की वैल्यूज मिलेंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपको सैचुरेटेड प्रेशर का वैल्यू मिलेगी, उसके बाद फिर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, देन आपको एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी और लास्ट में आपको एंट्रोपी। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे, प्रेशर को आप केपीए में या एमपीए में ले सकते हो, मोस्टली केपीए में लेना है आपको। स्पेसिफिक वॉल्यूम इसको आपको लेना है मीटर क्यूब पर केजी में। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है तो ये किलोजूल पर केजी में आएगी। एंथैल्पी भी किलोजूल पर केजी में आएगी। स्पेसिफिक एंट्रोपी की वैल्यू किलोजूल पर केजी कर्व। अब इसमें एग्जैक्ट आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस टाइप का मिलेगा आपको, पहले टेम्परेचर है, नेक्स्ट प्रेशर है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो आपको थ्री वैल्यू से आपका मिलेंगी, पहले वी एफ की वैल्यू मिलेगी, वी एफ के बाद आपको वी जी की वैल्यू मिलेगी, देन आप वी एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वो गिवन भी मिलेगी आपको। देन यू में आपको मिलेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, फिर आपका सैचुरेटेड गैस की वैल्यू मिलेगी यू एफ जी। सेम वे में आपको एच का मिलेगा, पहले एच एफ, एच जी एंड एच एफ जी, एंड लास्ट एंट्रोपी में एस एफ, एस जी एंड एस एफ जी। सो ये सभी वैल्यूज आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी यहाँ पर। अगर मैं टेम्परेचर बेस्ड टेबल ले रहा हूँ तो टेम्परेचर मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगा, मान लीजिए पहले 5 डिग्री है, फिर 10 डिग्री है, फिर 15 डिग्री है, फिर 20 डिग्री है, तो एक रेगुलर इंटरवल में मिलेगा आपको, रेगुलर इंटरवल टेम्परेचर बेस्ड टेबल। जबकि जो प्रेशर इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सैचुरेटेड प्रेशर होगा, वो रेगुलर इंटरवल में नहीं मिलेगा। जबकि बात अगर हम करते हैं प्रेशर बेस्ड टेबल पे, तो पहले प्रेशर आएगा फिर टेम्परेचर, उसके बाद ये वैल्यूज सेम सीक्वेंस में होंगी, वी एफ
वी जी वी एफ जी यू एफ यू जी यू एफ जी एच एफ एच जी एच एफ जी एस एफ एस जी एंड एस एफ जी। दैट मीन्स प्रेशर बेस्ड टेबल में प्रेशर पहले आएगा, बाद में टेम्परेचर आएगा और रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो सेम सीक्वेंस में होंगे। इसमें प्रेशर जो है वो आपका सेम इंटरवल में होगा या यूनिफॉर्म इंटरवल में होगा। जैसे लाइक मान लेते हैं पहले 2 kPa है, फिर आपका 4 है, 6 है, सो इक्वल इंटरवल में आपको मिलेगा। तो टेम्परेचर बेस्ड हो या प्रेशर बेस्ड हो, डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर बेस्ड में टेम्परेचर पहले होगा और रेगुलर इंटरवल में होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपको वैल्यूज मिलेंगी। प्रेशर बेस्ड टेबल जो होगी उसमें पहले प्रेशर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका आपको एग्जैक्ट टेबल दिखाते हैं अभी, जिससे कि आप विजुलाइज कर सको किससे किस टाइप का आपका। देखिए ये हमारी स्टीम टेबल है। तो स्टीम टेबल को आपको मैंने बताया था कि दो पार्ट है हमारे। फर्स्ट पार्ट आपका सैचुरेटेड स्टीम का है। तो सैचुरेटेड स्टीम दो दो पार्ट में हो सकती है, एक टेम्परेचर बेस्ड होगी एक प्रेशर बेस्ड। तो पहले टेम्परेचर बेस्ड देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर होगा, उसके बाद प्रेशर होगा, फिर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा वी एफ एंड वी जी, फिर आपके इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज आएंगी, फिर एंथैल्पी आएगा, फिर आपका एंट्रोपी आएगा। तो ये सीक्वेंस होगा। अब इसमें देखिए अगर ये टेम्परेचर बेस्ड है तो टेम्परेचर की वैल्यू आप रेगुलर इंटरवल पर देखोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, पर जो कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड प्रेशर है वो रेगुलर इंटरवल में नहीं है, उसकी वैल्यू देखिए आप, दे आर नॉट इन रेगुलर इंटरवल। अब यही केस आपको मैं प्रेशर बेस्ड टेबल में दिखाता हूँ। अभी आगे देखिए आप, दिस इज योर प्रेशर बेस्ड टेबल। सैचुरेटेड ही है बट प्रेशर बेस्ड है। तो प्रेशर बेस्ड में आप देखिए जो प्रेशर की वैल्यूज है वो रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलेंगी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, बट टेम्परेचर की जो वैल्यूज है बट दे आर नॉट इन रेगुलर इंटरवल। और जबकि जो वैल्यूज का सीक्वेंस है वो सेम रहेगा आपका, पहले आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, फिर इंटरनल एनर्जी आएगा, एंथैल्पी आएगा, एंट्रोपी आएगा, इस टाइप से। तो जो पार्ट वन है उसके सैचुरेटेड टेबल के उसमें टेम्परेचर टेबल भी है, प्रेशर टेबल भी है। ओके, सो पार्ट टू पे अगर आप आते हो तो पार्ट टू आपका सुपर हीटेड टेबल के लिए है। तो दिखा देते हैं, दिस इज योर पार्ट टू। सो ये आपका पार्ट टू है। तो सुपर हीटेड वेपर में किस टाइप से है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर के टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सेकेंड पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले आप फर्स्ट पार्ट पे फोकस कीजिए। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर दैट वी आर हैविंग टू पार्ट्स ऑफ द स्टीम टेबल, वन इज सैचुरेटेड, नेक्स्ट सेकेंड इज सुपर हीटेड। इन सैचुरेटेड टेबल वी आर हैविंग टू पार्ट्स, वन इज टेम्परेचर बेस्ड, सेकेंड इज योर प्रेशर बेस्ड। तो टेम्परेचर बेस्ड में टेम्परेचर की वैल्यूज रेगुलर इंटरवल पे होंगी और प्रेशर बेस्ड में प्रेशर की वैल्यूज रेगुलर इंटरवल पर आपको मिलेंगी। अब इसके बेस पे आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए क्वेश्चन करते हैं हम। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट मींस कौन सी टेबल यूज करनी है आपको, सैचुरेटेड टेबल यूज करनी है, पार्ट वन यूज करना है। सो वट यू हैव टू कैलकुलेट सैचुरेशन टेम्परेचर। सेकेंड द चेंजेस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट वी जी माइनस वी एफ, चेंजेस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ऑल्सो विच इज एस जी माइनस एस एफ, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट दैट मीन्स एच एफ जी एच जी माइनस एच एफ, दीज वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट एंड गिवन इज स्टीम एट 1 MPa, स्टीम इज गिवन एट 1 MPa। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टेबल इज वी हैव टू यूज, सुपर हीटेड और सैचुरेटेड। क्वेश्चन इज गिवन दैट
You have to calculate the saturation temperature, change volume during evaporation. So that means the table we have to use saturated table. तो saturated table में आपको प्रेशर टेबल में जाकर 1 MPa पे सर्च करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है. सो लेट अस सी द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस. सो दिस इज आवर टेबल, प्रेशर टेबल. तो आप इसको सर्च कर सकते हो यहां से. जब आप इसको सर्च करोगे, प्रेशर की वैल्यूज आपको सर्च करनी है 1 MPa के कॉरस्पॉन्डिंग. So 1 MPa is this one. This one is 1 MPa. This one. So इसके corresponding पहले आपको temperature बताना, saturation temperature. So the value is 179.91. That means first answer is T saturation is 179.91 degree Celsius. Then you आपसे पूछा था कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है. तो चेंज इन वॉल्यूम आप वी जी माइनस वी एफ को निकालिए. वी जी कितना है, दिस वन, एंड वी एफ कितना है आपका, दिस वन. सो दोनों को कैल माइनस करोगे आप, वी एफ माइनस वी जी. सो यू विल फाइंड वी एफ जी. सो दोनों, इन दोनों वैल्यू को आप माइनस करोगे, 0.194 44 माइनस 0.001127, देन यू विल गेट 0.1933 मीटर क्यूब पर केजी. सो इस टाइप से आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया आपने. उसी टाइप से आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज. Then you can calculate the change in enthalpy or enthalpy of vaporization. In similar way, you can calculate the change in entropy. So, इस टाइप से आपको ये वैल्यू यूज करनी है. सो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगे. सो हाउ टू यूज दिस वन. सो इस क्वेश्चन में क्या है, सैचुरेटेड स्टीम हैज एन एंट्रोपी ऑफ 6.76 क्लोजूल पर केजी केल्विन. व्हाट आर इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी. दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज. सो व्हाट इज गिवन वैल्यू हियर, एंट्रोपी इज गिवन 6.76 क्लोजूल पर केजी केल्विन. बट हियर इट इज ऑल्सो मेंशन दैट दिस इज सैचुरेटेड स्टीम. दिस इज सैचुरेटेड स्टीम. सो दिस वैल्यू इज योर एस जी. सो वट आर इज टेम्परेचर, दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है आपका, प्रेशर कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है एंड एंथैल्पी कितनी है. तो हमें टेबल में जाके जो लास्ट कॉलम में एस जी की वैल्यू यहाँ पर सर्च करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है. सो लेट अस सी. सो 6.76. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहां से, then you will find 6.76 here. So corresponding to this, all these values are here. So first you have to calculate the pressure. Pressure is 0.60. Temperature is 158.85. Then you have to calculate the VG. VG is this one, 0.3157. And then Hg. Hg is your, where, this one, 2756.8. So these are the values which is corresponding to this entropy. So पहले आपको entropy को search करना था कि entropy, जो given entropy है वो कहाँ पर है, उसके corresponding ये सारी values आपको लिखनी है. So these are the answers. इस टाइप से हम calculate करते हैं, questions करते हैं. So next lecture में कुछ
मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो अभिनव, आप इस लेक्चर में क्या आपने सीखा कि हम स्टीम टेबल को यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए, डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए, बट ये तभी यूज हो सकती है टेबल जब आपका वर्किंग सब्सटेंस वाटर या स्टीम हो। नेक्स्ट, इसको यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड स्टीम पार्ट, सेकेंड इज योर सुपर हीटेड स्टीम पार्ट। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये सर्च करना है कि कौन सी कंडीशन के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है, वेदर सुपर हीटेड और सैचुरेटेड। आफ्टर वॉचिंग दिस, फिर आपको जो वैल्यू गिवन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी होगी। ओके, थैंक यू।